सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं Realme 6 और Realme 6 Pro के बारे में। ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 5 मार्च को लॉन्च होगा। इन दोनों स्मार्टफोन का जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट सभी कुछ कंफर्म हो चुका है सिवाय एक चीज़ के, जो कि इस फोन का चिपसेट। इन दोनों स्मार्टफोन में कौन सा चिपसेट मिलेगा और इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग क्या होगा, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट है। हालांकि ऑलमोस्ट लगभग 90% दोनों स्मार्टफोन का जो स्पेस है वो निकल के सामने आ ही चुका है, डिज़ाइन भी निकल के सामने आ चुका है, डिस्प्ले भी निकल के सामने आ चुका है, बस एक चीज़ जो कि इस फोन का चिपसेट। तो Realme 6 में आपको बताया जा रहा है कि मिलेगा MediaTek का G90T वाला चिपसेट, जो कि कंफर्म हो चुका है आपको Realme के 6 में MediaTek का G90T वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। और Realme 6 Pro में आपको मिलने वाला है Qualcomm का Snapdragon 720G। अब एक बात यहाँ पर यह निकल के सामने आता है कि जो Realme 6 में मिलता है MediaTek का G90T वो तो ज़्यादा पावरफुल है अगर उसे आप लोग Qualcomm Snapdragon 720G से कंपेयर करते हैं। तो मुझे पता नहीं कंपनी किस तरह से एक्सप्लेन करेगा कि G90T ज़्यादा पावरफुल है या फिर Realme का 6 Pro में जो मिलता है Qualcomm का Snapdragon 720G, जबकि वो प्रो वेरिएंट है और ये एक नॉर्मल वेरिएंट है। तो यहाँ पर किस तरह से वो एक्सप्लेन करेगा कि भाई इसमें हम ये दे रहे हैं उसमें हम वो दे रहे हैं, क्योंकि अगर डेली टू डे लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो नो डाउट दोनों चीज़ें ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन बात आती है अगर गेमिंग की, तो रियलमी का जो 6 में आएगा MediaTek का G90T वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और रियलमी का 6 प्रो में आपको मिलता है Qualcomm का Snapdragon 720G, जो कि 730 से बस माइनर चेंजेस यहाँ पर किया है। तो एक चीज़ यहाँ पर यह है कि भाई किस तरह से कंपनी बताएगी कि हमको इसमें ये दे रहे हैं और इसमें ये दे रहे हैं। और Redmi का जो Note 8 Pro आता है जिसमें आपको G90T मिलता है और जो Realme का X2 आता है, तो आप लोगों ने कंपेयर देखा होगा कि जो Realme X2 का जो स्कोर है वो Redmi Note 8 Pro से कम है, यानी कि G90T ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर अलग ही केस चल रहा है, यहाँ पर Realme 6 में आपको G90T मिलेगा और Realme 6 Pro में Qualcomm का Snapdragon 720G। अब बात करते हैं Redmi के ही बारे में। तो Redmi का जो Note 8 Pro आता है यहाँ पर आपको मिलता है G90T, लेकिन जो Redmi का Note 9 Pro आएगा वहाँ पर बताया जा रहा है कि Qualcomm का Snapdragon 720G मिलेगा। तो कंपनी पता नहीं किस टाइप से कैलकुलेशन करके अपने स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहा है। अगर Redmi के Note 8 Pro में आपको G90T मिला तो जो उसका सक्सेसर वेरिएंट आएगा जो कि वो Redmi का Note 9 Pro, तो एटलीस्ट इससे इम्प्रूवमेंट के साथ वहां पर जाना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ों में आपको डाउनग्रेड मिलेगा, जिस तरह से Redmi के Note 8 Pro में आपको PUBG आप एक्सट्रीम और स्मूथ सेटिंग में खेल सकते हैं, वहीं आप 720p में अल्ट्रा तक ही खेल सकते हैं, जो कि आपको Redmi के Note 9 Pro में भी देखने को मिलेगा। या तो कंपनी पहले गलत कर दिया ये देख के या फिर अप कर रहा है। अगर दे ही दिया है तो उसको भी आगे ले जाओ। और यहाँ पर तो Realme के 6 के बारे में कुछ ऐसे रिपोर्ट आ रही है कि Realme के 6 में आपको G90T मिलेगा और 6 Pro में आपको Qualcomm का Snapdragon 720G। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। अब दोनों में वही चिपसेट आएगा जो मैं आप लोगों को बता दिया। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो जो Realme का 6 आएगा इस फोन की जो बेस वेरियंट होगा लगभग 12,000 के आसपास आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलेगा, साथ में आपको 90Hz वाला डिस्प्ले मिलेगा और 30W का चार्जर आप लोगों को इनबॉक्स मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन में 90Hz डिस्प्ले मिलेगा और दोनों स्मार्टफोन में आपको 30W का चार्जर मिलेगा, इसलिए इसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है। तो जो Realme का 6 आएगा इस फोन की प्राइसिंग लगभग 12,000 रुपीस होगा, और जो Realme का 6 Pro आएगा इस फोन की प्राइसिंग लगभग 16,000 रुपीस होगा। तो 12,000 और 16,000 इतना प्राइस डिफरेंट यहाँ पर हो सकता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।